हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो है ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ ये क्रायलोन का एक्वा कलर बेस्ड है, इसका रिव्यू और फर्स्ट इम्प्रेशंस और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सब शेयर करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी ड्राई स्किन है तो मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई करने लगी, तो सबसे पहले मैं ये लॉरियल का व्हाइट परफेक्ट डे क्रीम जो है इसको मैं एज मॉइस्चराइजर के अप्लाई कर रही हूँ। किसी की ड्राई स्किन है तो वो ये क्रीम यूज़ कर सकता है एज मॉइस्चराइजर। बहुत अच्छी क्रीम है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छी क्रीम है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। ये किस ब्यूटी का 24 के गोल्ड एडिशन प्राइमर है तो इसको मैं अप्लाई करूंगी। प्राइमर अप्लाई करना भी मस्ट है क्योंकि हम केक फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और ड्राई स्किन है तो इसके लिए स्किन को प्राइम करना मस्ट है। प्राइमर लगाने से क्या होगा, जब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से अप्लाई होगी, उसकी काफ़ी स्मूथ फिनिश आएगी और प्राइमर से जो है हमारा फाउंडेशन भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और ये है एक्वा कलर का बेस जो मैं अप्लाई करने लगी हूँ और ये इसका कलर है, आप देख लें, F1 है मेरा शेड। मैंने येलो बेस ली है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा वाइटनिंग का सीरम है, इसको मैं इसके साथ मैं अप्लाई करूंगी। और मैं इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं आइडिया ये किस तरह से टर्न आउट होगा। तो मैं ये इसके कुछ ड्रॉप्स जो है ये केक फाउंडेशन के ऊपर डाल रही हूँ और फिर मैं फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी। इसकी जगह पे आप प्राइमिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे जो होते हैं, मैंने लोगों को वो भी यूज़ करते हुए देखा है। तो मैं फिलहाल सीरम मैंने डाला है और मैं इसको इस तरह से प्रोडक्ट को लूँगी और ये मैंने इसको अप्लाई किया है। मैं आपको आगे चल के हाफ साइड पे जो है पानी के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा लिक्विड फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ, मिनरल प्रोडक्ट्स और केक फाउंडेशंस में बहुत कम यूज़ करती हूँ तो मुझे इनको यूज़ करने का भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, एक लेयर मैंने लगाई है तो ये अप्लाई तो बहुत अच्छे से हुई है बट कवरेज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी इतनी। मैं इसकी एक और लेयर अप्लाई की है मैंने इसके बाद, नाउ इट लुक्स बेटर। मैं क्रीम फाउंडेशन भी बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे जहन में यही था कि ये क्रीम फाउंडेशन की तरह लगेगा बट इसका फॉर्मूला जो है काफ़ी डिफरेंट है। स्पंज की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा सेट किया है, ब्लेंड आउट किया है तो काफ़ी नेचुरल लग रहा है। ये फाउंडेशन जो है हमारे प्रोफेशनल्स जो है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं और उनका कहना है कि ये ऑक्सीडाइज भी होती है, तो हम अभी देखते हैं कितनी ऑक्सीडाइज होती है। ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेयर्स ही आपको नज़र आ रही होगी। तो आपने इसको लगाने के बाद ब्लेंड फ़ौरन से करना है, नहीं तो ये आपको केकी केकी लगेगी, आपकी स्किन पे जम सी जाएगी। अब मैं दूसरी साइड पे इसको पानी के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल प्लेन वाटर लिया है, वो मैंने 3-4 ड्रॉप्स डाले और मैं उसके साथ मिक्स करके इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मुझे पेंट की तरह लग रहा है। चलिए लेट्स सी, अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से ये टर्न आउट होता है। ये केक फाउंडेशन जो है क्रायलोन का, इसकी मैं आपको बता देती हूँ, इसको हमारे सलोन्स में जो है ब्राइडल बेसिस में यूज़ किया जाता है, ब्राइडल बेस को सेट करने के लिए। इसके नीचे पहले क्रायलोन का जो स्टिक फाउंडेशन है वो लगाते हैं, उसके ऊपर इसकी लेयर लगाते हैं, फिर इसको सेट करते हैं 3-4 स्टेप्स में। तो मैं तो ब्राइडल बेस नहीं बना रही, ना ही जो बहुत से मेरे देखने वाले हैं वो रोज़ ही ब्राइडल बेस बनाते हैं, उनको डेली रूटीन के लिए बेस चाहिए या पार्टी वेयर के लिए। तो मैं इसलिए इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो क्या ये वर्थ बाइंग है भी या नहीं, आप इससे बेस बना सकते हैं या नहीं। तो मैंने ये हाफ साइड पे इसकी सारी इसको लेयर अप कर ली है, अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैं ड्राई होने दूंगी और फिर मैं ड्राई स्पंज के साथ इसको ब्लेंड आउट करूंगी। पानी के साथ मैंने जो अप्लाई किया है तो इसमें थोड़ा ये हैवी लुक आ रही है, प्रोडक्ट जो है इसकी कवरेज इसमें हैवी सी लग रही है। अभी ये ड्राई होता है तो फिर मैं देखती हूँ कि किस तरह से लगेगा। अब मैं इसको ये ड्राई स्पंज की हेल्प से डैप करके स्किन में प्रेस कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले बता रही थी ये ब्राइडल बेसिस या पार्टी बेस जो बनाई जाती है उनमें जो 3-4 स्टेप होते हैं ये उसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसकी लेयर अप किया जाता है इसको।
तीन चार स्टेप्स होते हैं उस बेस के, किसी वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको एज नॉर्मल फाउंडेशन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक कोई डेली की रूटीन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, प्रोफेशनल तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, उनको पता है कैसे यूज़ करना है, वो क्लाइंट्स वगैरह पर यूज़ करते हैं। मैं नेक पे भी इसको मैंने इसको अप्लाई कर लिया नेक पे भी, तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट सा मेकअप कर लिया ताकि मैं इस फाउंडेशन को और चेक कर सकूं। तो मैं थोड़ा सा 3-4 घंटे तक इसको चेक करूंगी कि ये किस तरह से रहती है। और मैं ये भी बता दूं, मैंने इस बेस को पाउडर के साथ सेट नहीं किया, मैंने इसको पाउडर के साथ सेट नहीं किया था बेस को, लेकिन मैंने मेकअप किया तो मैंने फिक्सिंग स्प्रे एंड पे अप्लाई किया था, फिक्सिंग स्प्रे मैंने अप्लाई किया था, पाउडर से इसको सेट नहीं किया था। तो ये कुछ टाइम के बाद के शॉट्स हैं। तो ये बेस जो है ये सेट तो हुई है, जो मैंने प्राइम सीरम के साथ अप्लाई किया है वो तो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, आप इस साइड पर देख सकते हैं। जो मैंने पानी के साथ अप्लाई किया है वो थोड़ा केकी केकी उभरा उभरा सा लग रहा है, वो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, आपने भी देखा है मैंने आपके साथ ही फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है, तो इसको एक ट्राई तो और देना चाहिए, एक बार इसको मैं और किसी और तरीके से ट्राई करके देखूंगी। फिलहाल जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है इस प्रोडक्ट के बारे में, डेली रूटीन के लिए ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, ड्राई स्किन वालों को तो खास तौर पे, आपके फेस पे ये केकी केकी ही लगेगी। ब्राइडल और पार्टी बेस में ये यूज़ हो सकती है, लेकिन इसको प्रोफेशनल ही ले वही इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में इससे कम प्राइस पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बहुत अच्छी फाउंडेशंस इससे बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है, आप उनको ट्राई करें डेली बेसिस पे, और पार्टी बेस पे भी आप उन्हें यूज़ करें। क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड फाउंडेशंस हैं, बहुत अच्छी फाउंडेशंस हैं, और उनको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्रायलन के प्रोडक्ट से थोड़ा सा आप निकलें, नई चीज़ें ट्राई करें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।